अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से रमज़ान अपना जो है वो गुजार रहे होंगे, यानी कि इबादत ही कर रहे हैं आप भी जो रोज़ा रख रहे हैं। ठीक है, तो आज जो है हमने मशक की तरफ चलना है। मशक क्या है? मतलब एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे हम। तो इसके एक्सरसाइज में सबसे पहला MCQs है कि इबादत का लफ्ज़ी मायना क्या है, लफ्ज़ी मायना क्या है। दुरुस्त जवाब के इंतखाबात इंतखाब करें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है इबादत के लफ्ज़ी मायना क्या है? इबादत के लफ्ज़ी मायना है बंदगी, रोकना, जिक्र करना या मांगना। तो इबादत के लफ्ज़ी मायना है बंदगी। ठीक है, अल्लाह ताला की बंदगी। दूसरा है जाहिलियत और इस्लाम का तसव्वुर जो है वो इबादत में एक जैसा था, मुमासिल था, बिल्कुल मुख्तलिफ था या अनोखा था। तो बिल्कुल मुख्तलिफ था, दोनों के अलग अलग तरीके थे अपनी इबादत करने के। हम अल्लाह ताला को मानते और वो जो जाहिल थे वो बुतों की पूजा करते थे, तो इसलिए बिल्कुल मुख्तलिफ। ठीक है, उसके बाद हदीस जिब्राइल के मुताबिक हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए असल शक्ल में, इंसानी शक्ल में, परिंदे की शक्ल में या रूह की शक्ल में। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आए थे, इंसानी शक्ल में आए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। ठीक है, चौथा MCQ है कि हज इबादत है बदनी माली या माली और बदनी दोनों या फिर नफली। तो माली और बदनी यानी माल और जो आपका जान है वो अल्लाह ताला के लिए सिर्फ। ठीक है, तो हज जो है वो माली और बदनी दोनों ही इबादत है। ठीक है, दोनों में ही आ जाता है। उसके अलावा रिश्तेदारों से अच्छा सलूक क्या कहलाता है? रिश्तेदारों से अच्छा सलूक खुताकता रहमी कहलाता है, सुलह रहमी कहलाता है, रवादारी कहलाता है या म्याना रवि कहलाता है। तो सुलह रहमी कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है? सुलह रहमी। तो आपने सेकंड ऑप्शन पर आपने सर्कल कर देना है। ठीक है, इसके बाद इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ के बारे में नहीं समझ आती है, ठीक है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं मे भी बच्चों को समझ नहीं आती, तो आप मुझसे जो है कमेंट्स में पूछें, मैं आपको लास्ट में उसका आपको बताऊंगी। ठीक है, उसके बारे में आप डिस्कस कर लोगे, बाकायदा कोई भी मसला हो पूछिए। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आपके मुख्तसर जवाब की तरफ। मुख्तसर जवाब दें तो सबसे पहला क्वेश्चन है इबादत का क्या मफहूम है। तो इबादत के मायने हैं, पहला सवाल, पहला जवाब, पहले जवाब का आपका आंसर है इबादत के मायने हैं बंदगी, ठीक है, शरीयत, शरीयत इस्लाम में, शरीयत इस्लाम में इबादत से मुराद अल्लाह ताला की इबादत से मुराद क्या अल्लाह ताला की खातिर उसकी रजा के मुताबिक अमल करना इबादत कहलाता है। ठीक है, इबादत कहलाता है। उसके बाद दूसरा जो आपका जवाब जवाब नंबर दो है उसकी तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नों को किस मकसद के लिए पैदा किया है? तो अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है कि इबादत की अहमियत पर एक कुरानी आयत का तर्जुमा, तो वो ये है कि और मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा फरमाया कि वो मेरी इबादत करें।
और मैंने जिन्नों और इंसानों को, अल्लाह ताला क्या कहते हैं, और मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें, यानी अल्लाह की इबादत, अल्लाह ताला कहते हैं, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी तर्जुमा लिखते हैं या हदीस लिखते हैं या आयत लिखते हैं तो आपने ये कॉमा लाजमी डालना, जिस तरह मैं डालती हूँ, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि फ़र्ज सुन्नत और नफल में क्या फ़र्क है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि फ़र्ज सुन्नत और नफल में फ़र्क, ये जवाब नंबर 3 था। अब जवाब नंबर 4 की तरफ चलते हैं। जवाब नंबर 4, फ़र्ज क्या है, फ़र्ज क्या है, फ़र्ज वो है कि जिससे आपको लिखें वो इबादत जिसका करना लाजिम हो, ठीक है, यानी कि लाजमी करनी होगी आपको, और ना करने वाले को सजा हो, और ना करने वाले को सजा हो, फर्ज कहलाता है, ठीक है। इस तरह से सुन्नत क्या है, अब सुन्नत से मुराद वो काम जो फ़र्ज नहीं है, ठीक है, जो फ़र्ज नहीं है लेकिन अगर किए जाए तो सवाब मिलता है। तो सुन्नत से क्या मुराद है, सुन्नत सुन्नत से मुराद वो काम है के जो करना लाजिम हो, जो करना लाजिम ना हो लेकिन उसका सवाब मिले, ठीक है, लेकिन आपको उसका सवाब मिलेगा, लेकिन अगर आप वो करते हैं तो आपको उसका क्या होगा, सवाब मिलेगा। अगर आप वो काम करते हैं, ठीक है, ये हो गया सुन्नत। अब नफल देख लेते हैं कि नफल क्या है। तो नफल से मुराद हर वो काम है जो फ़र्ज या सुन्नत दोनों में नहीं आता, ठीक है, ना तो वो फ़र्ज है और ना ही वो सुन्नत है, लेकिन वो एक नेकी है। अब नंबर 4 कहिए, इसमें भी नफल, नफल क्या है, वो इबादत जो ना तो फ़र्ज है ना सुन्नत, लेकिन अगर किया जाए तो नेकी मिलती है, ठीक है। तो ये आपके जो थे ना सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। तो अब एक क्वेश्चन है आपका मजीद, ये मतलब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका सवाल क्वेश्चन नंबर 5, जवाब नंबर 5, एहसान से क्या मुराद है। तो एहसान से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान से मुराद मुराद क्या है, ये है कि तुम अल्लाह ताला
अल्लाह ताला की इबादत इस तरह करो कि गोया तुम उसे देख रहे हो, तुम उसे देख रहे हो, और अगर तुम अल्लाह ताला को नहीं देख रहे तो कम से कम अल्लाह को नहीं देख रहे, नहीं देख रहे तो कम से कम ये यकीन कर लो कि वो तुम्हें देख रहा है, ये यकीन कर लो कि वो देख रहा है, ठीक है। और इसी तरह से क्योंकि ये हदीस में आता है अपने इन्वर्टेड कॉमास लगा देने, ठीक है। तो बच्चों ये थे हमारे जो थे ना कुछ सवालात थे और उसके जवाब आते ही मैंने आपको आज उसकी मशक कंप्लीट करवा दी है। अब जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो उसके तफसीली जवाब देखेंगे।